हेलो एवरीवन। तो भाई एक बहुत बढ़िया चीज़ हमने मंगवाई थी, तो फाइनली वो आ चुकी है और उसकी एक बढ़िया सी अनबॉक्सिंग करते हैं। और वो स्पेशली बाइक की आइटम है और बाइक पे इसी वीडियो में फिट भी करेंगे। लेट्स सी। बट ये इसमें बहुत सही ब्लैक पैकेजिंग है इन्होंने, क्योंकि बिल्कुल थीम अपनी ब्लैक रखी है। मैंने और किसी भी ब्रांड के ब्लैक नहीं देखा, स्पेसिफिकली ब्लैक है। अब देखते हैं अंदर कैसी है। बट नॉर्मल नहीं है ये, नॉर्मल हेडलाइट ग्रिल हेडलाइट प्रोटेक्शन के लिए होती है, बट हमने ओल्ड स्कूल हेडलाइट ग्रिल मंगवाई है, दैट इज एक्स साइन। कैसे कहते हैं, बहुत पहले एक्स साइन वाली हेडलाइट ग्रिल लगती थी, फिर वो है ये। ये तो इसकी फिटिंग्स है, आई डोंट नो कैसे लगने वाले, बट हम खुद लगाने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज द ग्रिल क्वालिटी बहुत सही है। हमने जो मैट फिनिश दिया है इसको, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये है छोटी सी, ये फिटिंग है। ये हर इनफील्ड के लिए कॉमन है, हर बुलेट के लिए और रॉयल इनफील्ड के लिए ये चीज़ कॉमन है, सब में यही लगता है। ये फिटिंग हर बाइक के लिए अलग हो जाती है। जो अपनी बाइक में फिट करने वाले हेडलाइट ग्रिल जो हमने मंगवाइया VIV डिज़ाइन से, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी दिखा दिया। ये हमारी गलत बाइक का लुक है, अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे हेडलाइट और देखते हैं कैसे सेटअप होगा हेडलाइट ग्रिल। तो भाई इसको ओरिजिनल नट खोलने के लिए पहले आपको यूज़ करनी है चाबी, ये 12 नंबर की, ये लगेगा इसको लूज़ करके, थोड़ा सा इससे लूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हल्की जो हेडलाइट ऊपर उठा के वेट कम हो जाएगा, पूरा हाथ से बाहर आ जाएगा। और अभी तक की मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने पूरा फिट नहीं किया, ये इन्होंने बड़ा स्मूथ दिया है, पर शायद उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वाला भी फिट हो रहा है इसके साथ। तो लेट्स सी कैसे फिट होता है नहीं होता, उसको पूरा करते हैं और लगा के देखते हैं कैसा रहता है। हेडलाइट साफ़ करने के लिए हमने नॉर्मल एक आई क्लीनर ले लिया, जो चश्मा साफ करने वाला होगा, इस पर छिड़क के नॉर्मल कपड़े से स्वेट कर अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि बाद में उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिर साफ़ करके मिलता हूँ आपको। ये हेडलाइट साफ़ होगी बढ़िया से, इसको अलग बेसिक टाइप लगेगी, हेडलाइट हेल्दी थी, फाइनल टाइप बाद में करेंगे प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ। और ये अब नट्स हैं जो इसका भी ग्रिल लगेगी उसमें टाइट होगा, तो मैं एक टाइट करता हूँ फिर मिलता हूँ। इसके लिए आपको ये है ये पेच, फिर आगे स्क्रू, और अंदर 2 वॉशर हैं, तो ये इस पर लगा एक वॉशर, फिर पूरा सेट लगा इन दोनों को लगा, फिर इसको ये इसको स्कूल बोलते हैं, इसको नहीं बोलते कुछ, ये लगने से पहले फिर एक वॉशर को इसको टाइट कर देंगे। और यहाँ भी लगाएंगे ताकि लूज हो जाए थोड़ा, क्योंकि सारा वेट इसी का आ गया। इस पर भी लगा के फिर इनको बेसिक टाइट करते हैं। तो भाई इसमें 2 नट लग गए हैं, ऊपर का नीचे का भी एकदम टाइट करना, ना तो ये लग रहा बेसिकली बहुत टाइट है, मेन LNK घुमा के लग रहा है, उन्होंने LNK नहीं दी सर, क्योंकि बाई चांस इसका सेट पड़ा हुआ था तो काम आ गया, बट ठीक है। तो जैसे बहुत टाइट है तो ये LNK से घूम के ही लगेगा, अंदर जाएगा उसके बाद टाइट होगा। तो भाई ये ऐसा कुछ लुक आ रहा है, प्रॉपर भी दिखाएंगे। ये है इसका उल्टा सीधा कुछ है नहीं, तो बेसिकली अभी ये देखना है, ये भी फुल बाहर है, इसको कितना अंदर अभी अगर करना है तो हम देखते हैं कितना कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसको बेसिक टाइट करके आपको एक इससे चाबी से, मैंने अंदर अभी जो छोटी वाली दी थी उससे पकड़ के इसको टाइट करना पड़ेगा, वरना घूमता है, वरना से इसी को टाइट कर दो इसको पकड़ के, बेसिकली वैसा वैसा कैसे कर लो। तो ये फुल टाइट करके इसको फिर हम एडजस्ट करेंगे, लाइट हो सब कितनी हाइट चाहिए, हो सब कितना, इसकी 2 एडजस्टमेंट है ऊपर नीचे, तो एग्जैक्ट देखने की एग्जैक्ट इसकी गुलाई पर आना चाहिए, इससे ऊपर नीचे ना जाए, और दूसरी चीज़ अंदर भाग के। भैया आगे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है बाइक का, आई पर्सनली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है ये। अगली इस वीडियो के साथ, बाय बाय।